देहरादून में आयोजित मास्टर गेम्स में हिमाचल की महिलाओं ने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया और साबित कर दिया है कि वे युवा खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। जब ये सभी महिलाएं युवा थी तब भी इन्होंने प्रदेश का नाम कई बार रोशन किया है और अब 50 और 30 वर्ग की उम्र पार कर चुकी महिलाओं ने फिर से गोल्ड जीतकर हिमाचल की झोली में डाला है और ये साबित किया है कि खिलाड़ी पर कभी भी उम्र भारी नहीं पड़ सकती है और ना ही कभी जोश ठंडा होता है। महिलाओं ने बताया कि देहरादून में आयोजित मास्टर गेम्स में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 50 और 30 प्लस में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हॉकी में गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा किया है। वहीं एथलेटिक्स में भी उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं ने ये साबित किया है कि वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से उनका चयन इटली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, लेकिन वे वहां जाने के लिए धन का अभाव उनकी प्रतिभा के आड़े आ रहा है, इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार और उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे उनकी टीम को स्पॉन्सर करें ताकि वे विश्व में हिमाचल का ही नहीं भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकें। हम लोग यहाँ से नेशनल खेलने गए थे 30 प्लस भी और 50 प्लस भी, जैसा कि हम सोच के गए थे। मैंने पहले भी कहा था कि हम गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। पहले हमने स्टेट में जीता और हम फिर हिमाचल की साइड से हम देहरादून में नेशनल में गोल्ड मेडल 50 प्लस की गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हमने हिमाचल की झोली में डाला है वो गोल्ड मेडल, और हम बहुत उत्साहित हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हम इटली में जाएं और गवर्नमेंट हमारी थोड़ी हेल्प करे, क्योंकि हम जाना चाहते हैं और इंडिया की साइड से इंडिया की झोली में गोल्ड मेडल डालना चाहते हैं। मैं उषा शर्मा हिमाचल प्रदेश हॉकी 50 प्लस की कैप्टन हूँ। हमने उत्तराखंड की टीम को 2-0 से हराया और गोल्ड मेडल अपने हिमाचल के लिए लेके आए, और हमें खुशी है कि हमारी पूरी की पूरी टीम आगे इंटरनेशनल खेलने के लिए इटली के लिए हमारा चयन हुआ है। और हमारा इससे ये रहेगा कि यहाँ के जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं या गवर्नमेंट है, जो भी इस हिमाचल की टीम को मदद कर सकती है, स्पॉन्सर कर सकती है, ताकि और लोग इससे जुड़ें, उनका उत्साह बढ़े। हमारा बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन रहा है, हमने वहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है 30 प्लस कैटेगरी में, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे को सपोर्ट करे इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए, और ताकि हम लोग अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पर ला सकें।